लॉन्डो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। अगर नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में ना तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर के साथ साथ कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने पर तुम लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। बस ना तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो, क्या बढ़िया था गुरु। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके okay. तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अभी तक, तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। अभी अपने सबसे पहले वाली ट्रिक को करने के लिए तुम लोग नेक्स्ट टाइम आपकी इस वाली जगह पे आ जाना अपने मिनी लॉन्च पैड को लेकर। उसके बाद तुम लोग जो अपना बड़ा सा टावर होता है ना बगल में, उस पर कुछ ऐसे तुम लोग मिनी लॉन्च पैड को लगा देना है। फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना और तुम्हारे लिए मिनिमाइज का बटन था, दोनों के साथ गेम में वापस आ जाना है। और फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पूरा मतलब इस वाला बड़े से टावर के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग इस वाले टावर के अंदर आया तो मतलब यहाँ से तुम लोग अंदर से ना बाहर की सारी चीजें देख सकते हो, पर बाहर से ना कोई तुम लोग को अंदर नहीं देख पाएगा। मतलब ये क्या ही ट्रिक है, तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से बहुत सारे किल कर सकते हो और यहाँ पे ना बहुत आराम से तुम लोग अपना हिडन प्लेस बना के सर्वाइव भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पर ना तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा बाहर से। और ना अगर तुम लोग अपने ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो और रैंक पुश करना चाहते हो तो तुम लोग ना ये वाली ट्रिक काफी यूजफुल होने वाली है। अच्छा, अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग रैम्पेज मोड में आ जाना। उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पे कोई सी भी गन लेनी है, उसके बाद तुम लोग एलिमिनेट हो जाना है। और जैसे ही तुम्हें एलिमिनेट होने वाला होगा ना तुम लोग अपने डाटा को कुछ ऐसे इस वाली जगह पे ऑफ कर देना है, और ऐसे ऑफ करना है कि तुम लोग एलिमिनेट भी ना हो, मतलब कुछ ऐसा बॉडी तुम लोग का दिखाई दे। और ना जैसे ही तुम लोग का बॉडी कुछ ऐसा हो जाएगा उसके बाद तुम लोग अपने डाटा को ऑन कर रहना है। और उसके बाद जैसे ही तुम लोग मतलब गेम में आओगे थोड़ा सा वेट करना तुम लोग को, और जैसे ही ना तुम लोग पूरा गेम में आ जाओगे फिर तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना है। और ना जैसे ही तुम लोग अपने डाटा को ऑफ करोगे तुम्हारा कैरेक्टर ना कुछ ऐसे गायब हो जाएगा, तुम लोग देख ही सकते हो, जो कि देखने में मतलब काफी अमेजिंग लग रहा है। और जैसे तुम लोग का डाटा ऑफ हो जाएगा ना फिर तुम लोग को जाना है तुम्हारे जो सेटिंग का सेक्शन होता है उसमें, उसमें जो तुम्हारा रन का मोड होता है ना उसमें जाकर तुम लोग को मिक्स पे क्लिक कर देना है। और फिर तुम लोग ऐसे कुछ मिक्स पे क्लिक करके ना आगे बढ़ना, उसके बाद देखी सकते हो तुम लोग ग्लोबल लिए आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ना तुम लोग हाथ में ग्लोबल लिए दौड़ रहे हो, मतलब तुम्हारा कैरेक्टर ना पूरा इनविजिबल हो चुका है इस वाली जगह पे, और जो कि ना ये वाली ट्रिक देखने में काफी खतरनाक लगे। और इस वाली ट्रिक को तुम अपने फ्रेंड्स को दिखा के ना मतलब उन्हें चिढ़ा सकते हो और उन्हें हैरान भी कर सकते हो। अभी अपने तीसरे नंबर वाला ट्रिक को करने के लिए तुम लोग सबसे पहले मिलके इस वाली जगह पर अपने मिनी लॉन्च पैड को लेके आ जाना। फिर तुम लोग को मिनी लॉन्च पैड को ना कुछ इस वाली जगह पे ऐसे लगा देना है, और ना जैसे तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड लग जाएगा इसके ऊपर तुम लोग को चढ़ना है, और तुम्हारा लीव और मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों के साथ में गेम में वापस आना है। बूम देखी सकते हो, उसके बाद तुम लोग पूरा मिलके अंदर आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग पूरा मिल के अंदर, यहाँ पे तुम लोग करना है कि तुम लोग को धीरे धीरे आगे की साइड बढ़ना है। उसके बाद पूरा तुम लोग ना नीचे से अपने मिल को घूम सकते हो, मतलब नीचे से तुम लोग को मिल देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ना तुम लोग पूरा अपने मिल का जो वेयर हाउस होता है ना उसे पूरा तुम लोग नीचे से देख सकते हो, अपने एटीएम मशीन जो होता है ना गन खरीदने वाला उसे भी तुम लोग पूरा नीचे से देख सकते हो। और कोई अगर बंदा यहाँ पे आता है ना अपने बंदे को बचाने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, उन्हें तुम लोग बहुत ही आराम से मार सकते हो इस वाली जगह से। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो इस वाली जगह पे ना, लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा और बहुत ही आराम से तुम लोग यहाँ पे रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर कर पाओगे। अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए इस वाले लॉन्च पैड पर आ जाना तुम लोगों को। फिर तुम लोगों को कुछ ऐसे एम करना है उस वाले पेड़ पे सामने की साइड, मतलब तुम लोगों को प्रॉपर एम करना है। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ से लॉन्च हो जाना है कुछ ऐसे, और ना जैसे तुम लोग यहाँ से लॉन्च हो गए वाला पेड़ ना तुम लोगों को बहुत ही पीछे उठा के फेंक देगा, जो कि देखने में ना काफी अमेजिंग लग रहा है। और इस वाले ट्रिक को ना अपने फ्रेंड के सामने करके तुम लोग उन्हें हैरान कर सकते हो, मतलब और मजे कर सकते हो। और अगर ये वाला ट्रिक ना तुम लोग करते कोई एनिमी देखते हैं मतलब वो पगला ही जाएगा पूरा, और तुम्हारे फ्रेंड तो अपना माथा भी फोड़ने लगेंगे कि यही ट्रिक है वाली। और इस वाले ट्रिक के इस्तेमाल से ना तुम लोग मतलब फन कर सकते हो, और तुम लोगों को कोई बंदा मार रहे हैं तुम लोग को पीछे जाना है ना तो इस वाले ट्रिक को कुछ ऐसे इस्तेमाल करके तुम लोग पीछे जा सकते हो। अच्छा, तो भी अपने पांच वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को तो पता ही है कि लैंडमाइन ना जो अपने पानी में कभी नहीं लगता है, तुम लोग को पता ही होगा कि पानी में कुछ भी कर लो तुम्हारा लैंडमाइन नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे मैं सर्फबोर्ड पे भी आके लगा रहा हूँ पर मेरा लैंडमाइन नहीं लग रहा है। तो फिर तुम लोग को लैंडमाइन लगाने के लिए करना है कि तुम लोग को बैक स्विंग जो मोड रहता है ना उसमें आ जाना है। और बैक स्विंग मोड में ना ये वाला जो लकड़ी का डब्बा मिलता है उसे तुम लोग कुछ इस वाली जगह पे लगा देना है। फिर तुम लोग यहाँ से जंप करके ना इसके ऊपर चढ़ जाना है, और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे चढ़ जाओगे तुम लोग को कुछ इस साइड आना है मतलब पानी की साइड। फिर तुम लोगों ने अपने लैंडमाइन को पानी में कुछ ऐसे लगा देना है, मतलब यहाँ पे लगा देना है, और तुम्हारा लैंडमाइन ना ऑटोमेटिक पूरा पानी के अंदर चला जाएगा। और अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले मैं इसे तोड़ देता हूँ अपने लकड़ी के डब्बे को। और ना जैसे ही हम अपने लकड़ी के डब्बे को यहाँ पे तोड़ते हैं उसके बाद यहाँ पे तुम लोग देखिए तो मतलब थोड़ा थोड़ा तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे गोला टाइप का बना हुआ है कुछ। और चलो मैं तुम लोग को पानी में भी जाकर दिखा देता हूँ कि हमारा माइन नीचे लगा या नहीं लगा है। तो यहाँ से तुम लोग पानी से देखी सकते हो कि अपना माइन यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेड एम जा रहा है जो कि अपना माइन है। तो मतलब इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग माइन पूरा पानी में भी लगा सकते हो, जो कि नामुमकिन है।
वाओ। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके पर हाँ, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है समरिया, तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।